तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। और ये आपके भाई का पहला फेसकैम वीडियो है। अगर इस वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साउथ की टॉप 5 बिग सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने सस्पेंस और थ्रिल में आपको इतना घोल देती है कि आप शुरू से लेकर एंड तक फिल्म के साथ बने रहोगे। और इस वीडियो में हम जिन 5 फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, वो फिल्में आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने नंबर 1 पर कहा है फिल्म साहसम सवागा सगी पोपो, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है मुजरिम ना कहना, जो कि 2016 में आई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको कि IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने फिल्म को 91% लाइक किया। और इस फिल्म में आप नागा चैतन्य और मंजिमा मोहन जैसे कई कलाकारों को देख सकते हो। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, तो फिल्म की कहानी एक कपल के अराउंड घूमती है, जो एक रोड ट्रिप के लिए बाइक से निकलते हैं। लेकिन कहानी में अजीब मोड़ तब देखने को मिलता है जब रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, वो गुंडे कौन हैं और वो उन्हें जान से क्यों मारना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये भी एक बहुत ही शानदार फिल्म है, जो आपको एंड तक अपने साथ बनाकर रखती है। और ये फिल्म आपको थोड़ा सा भी बोर नहीं करेगी। तो डिस्क्रिप्शन में फिल्म का लिंक है, आप जाकर फिल्म को देख सकते हो। हमने नंबर 2 पर रखा है फिल्म यमन को, जो कि 2017 में आई तमिल भाषा की एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग दी और गूगल यूजर्स ने फिल्म को 84% लाइक किया। और इस फिल्म में आप विजय एंथोनी के साथ मिया जॉर्ज और त्यागराजन जैसे कलाकारों को देख सकते हो। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, तो फिल्म की कहानी यमन नाम के एक आदमी के अराउंड घूमती है, जिसके पिता की मौत कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से हो जाती है। और जिसके बाद उन भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने के लिए यमन पॉलिटिक्स में जाने का फैसला करता है। और जिसके बाद फिल्म में आगे क्या क्या होता है, इन सब के बारे में जानने के लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। और दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी शानदार है, जो आपको थोड़ी सी भी बोरिंग फील नहीं होने देगी। और ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में फिल्म का लिंक है, आप जाकर फिल्म को देख सकते हो। हमने नंबर 3 पर रखा है फिल्म सलीम को, जो कि 2014 में आई तमिल भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है डॉक्टर सलीम। और इस फिल्म में आप विजय एंथोनी के साथ अक्षय प्रदर्शनी और RNR मनोहर जैसे कलाकारों को देख सकते हो। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, तो फिल्म की कहानी एक डॉक्टर सलीम के अराउंड घूमती है, जो गरीब और असहाय लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और शायद इसी कारण उसके साथी डॉक्टर उससे नफरत करते हैं। लेकिन कहानी में जबरदस्त मोड़ तब देखने को मिलता है जब वो डॉक्टर एक ऐसी परेशानी में फंस जाता है जो उसे इंसान बना देती है, और जिसके बाद वो अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। अब दोस्तों, वो ऐसी कौन सी परेशानी है और क्या वो डॉक्टर अन्याय के खिलाफ लड़ने में सफल होगा, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये भी एक बहुत ही शानदार फिल्म है, जो आपको भी जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर फिल्म को देख सकते हो। हमने नंबर 4 पर रखा है फिल्म एक्कादिक्की पोथावु चिन्नावुदा को, जो कि 2016 में आई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसको IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग दी और गूगल यूजर्स ने फिल्म को 95% लाइक किया। और इस फिल्म में आप निखिल सिद्धार्थ के साथ हिबा पटेल और नंदिता श्वेता जैसे कलाकारों को देख सकते हो। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, तो फिल्म की कहानी अर्जुन नाम के एक लड़के के अराउंड घूमती है, जिसको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो उसे अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड की याद दिलाती है। लेकिन कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब वो लड़की बिना किसी कारण के अर्जुन को छोड़ देती है, और जिसके बाद अर्जुन उस लड़की से मिलने के लिए उसके गांव में जाता है। तो वहां पर अर्जुन को मालूम चलता है कि वो लड़की कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मर चुकी है। अब दोस्तों, उस लड़की की आत्मा अर्जुन को अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाती है और वो अर्जुन से क्या चाहती है, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये एक बहुत ही शानदार फिल्म है, जिसमें आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ हॉरर और कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। और इस फिल्म की स्टोरी काफी यूनिक है, तो आप जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में फिल्म का लिंक है, आप जाकर फिल्म को देखिए। और अगर आप पहले ही इस फिल्म को देख चुके हो, तो हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स को भी इस फिल्म के बारे में जरूर बताए। हमने नंबर 5 पर कहा है फिल्म त्रिपुरा को, जो कि 2015 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की एक हॉरर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। और इस फिल्म में आप नवीन चंद्रा के साथ स्वाति रेड्डी और तिलक शेखर जैसे कलाकारों को देख सकते हो। बात करें फिल्म के बेसिक प्लॉट के बारे में, तो फिल्म की कहानी त्रिपुरा नाम की एक लड़की के अराउंड घूमती है, जिसको रात में अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं, और कमाल की बात तो यह है कि वो सभी सपने सच भी होते हैं। लेकिन कहानी में अजीब मोड़ तब देखने को मिलता है जब एक रात सपने में त्रिपुरा खुद अपने पति को चाकू से मारती हुई देखती है। अब दोस्तों, त्रिपुरा को आए उस सपने के पीछे की रियलिटी क्या है, और क्या त्रिपुरा
सच में अपने पति को चाकू से मारना चाहती है, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये भी एक बहुत ही शानदार फिल्म है जो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर कीजिए। और अगर आपने साउथ की इन 5 फिल्मों को पहले ही देख रखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 5 फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है।